बताया जो अकेले कितने खुदी जीवियां तक जा हो कारपुना से जुड़े रखी विद्यार्थियों तक केस पाए हैं वो सारे केस रद्द हो वो खुदी जीवियां तक लोग पक्की खुदी जीवियां तक रिहाई हो गए ये अगली मांग है ये लास्ट मांग है सुबह तक क्या हाली सुबह तक क्या है सुबह भी खुद को क्या भी करो जड़ी के धर्मों ने तो मांग लिया तो आज के मांग नहीं कह सकते अपन जिन्ना चित्तकर सुबह को खुद को क्या भी नहीं मिलती सुबह को बदल क्या नहीं मिलते ताकता ना केंद्रीय कर्म कितना है सर में ताकता सेंटर से आज जाए और अब केंद्रीय कर्म नहीं हिंदा और ना चित्तकर ना देश ना विकास होगे ना अगर पिछाड़ा ना विकास होगे ना बोलिया ना विकास होगे और ये नहीं सुबह में इनका सुबह में खुद वक्त नहीं जरूरी है जो प्रभाव है समझ गए पहले तीन मुरे ने जब तरना को जरूर ना कराने राम पत्रा ने दिया और तो बाद बाकी पंजाब में करा लागे तो अब ठीक है जब आए हैं करता होगा ये चौथा आपा बताने वास्ते भी कहा मैं पहली घटना जब किसी ने पहले जिन्ना अठ मंगाते जिन्ना नू डेमोक्रेट की मंगा पूरा नहीं हो गया थे खुदी जिन्ना की रिहाई है सुबह से कह रहे हो ना तो बोल रहे जिन्ना ने आर्थिक मंगा पूरा नहीं हो गया थे वो आर्थिक मंगा तो बोल रहे मंगा ला के रहा बहुत है आर्थिक मंगा ला के रहा बनाना तो बेलों ला के रहा बहुत है तो खुद के लिए अगली गल है लास्ट गल और पूरा वो अपनी कंधा मीटिंग है मैं सारे मीटिंग गया जड़िया भी सेंटर सरकार ना होंगे ने मीटिंग तो साफ हो गया भी सरकार थोड़ा सिर परखना चाहती है जी थोड़ा सिर परखना चाहती है अरे करोना भावे हम तो करोना ने जो प्रचार किया आपके मूह ना बनिया हम तक बीजेपी कहती सी कि यह किसानों का तो मोर्चा है नहीं यह तो कांग्रेसियों का मोर्चा यह नक्सलियों का मोर्चा माओवादियों का मोर्चा यह खालिस्तानियों का मोर्चा ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਡਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਤੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਛੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰੋਜ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਯੂਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।